नमस्कार, मैं हूं वंदना भारद्वाज। मुद्दा में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के साथ नेताओं की बदजुबानी जारी है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, आजम खान, नवजोत सिंह सिद्धू अपने बयानों के चलते विवादों में हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को धर्म से जुड़े बयान देने के कारण चुनाव आयोग के प्रतिबंध का सामना करना पड़ा है। और इसी कड़ी में अब कुछ और बयान बहादुर सामने आए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे ने राहुल गांधी और विपक्ष को लेकर निम्न स्तर की बयानबाजी की है। ऐसे बेजा बयानों का बेरोक टोक सिलसिला यही बताता है कि हमारी चुनाव प्रक्रिया ही नहीं, राजनीति भी बुरी तरह से दूषित हो चुकी है। कहा जा सकता है कि इतने बड़े देश में जहां राजनीतिक दलों की भारी भीड़ है, वहां चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप का जोर पकड़ लेना स्वाभाविक है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि नेतागण विपक्षी नेताओं के खिलाफ बयान देते समय अपनी सारी हदें पार करते। साफ बताता है कि भारत दुनिया का बड़ा लोकतंत्र है, भले हो, लेकिन उसे बेहतर लोकतंत्र का लक्ष्य हासिल करने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां जोर पर है। चुनाव का समय आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है। अभी भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा पूर्व एटीएस चीफ शहीद हेमंत करकरे पर दिया गया विवादित बयान का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को एक रैली में कहा कि अगर उन्हें पता होता कि विपक्ष की महाखिचड़ी बालाकोट हवाई हमले का सबूत मांगेगी तो हम विपक्षी नेताओं को रॉकेट से बांध देते ताकि वो उसे अपनी आँखों से देख सके। महाराष्ट्र के विरार में एक रैली को संबोधित करते हुए फडणवीस ने बालाकोट हवाई हमले का सबूत मांगने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कोई माँ खिचड़ी के बारे में क्या कह सकता है, पुलवामा आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने वाले सैन्य बलों की तारीफ करने की बजाय वे उन पर सवाल उठा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विंग कमांडर अभिनंदन के पाकिस्तान में गिरफ्तार किए जाने और वापस लौटने पर फडणवीस ने कहा कि हमने अमेरिका और इजराइल की तर्ज पर कार्रवाई की। ये ऐसे देश हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं। आपको क्या लगता है कि अभिनंदन इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? उन्होंने कहा, मोदी के रुख और हमारे सैन्य बलों की क्षमता के कारण चीन और अमेरिका ने पाकिस्तान को हमारा आदमी लौटाने की सलाह दी। पिछली सरकारों की तरह बहुत सारी बातें करने और कुछ नहीं करने की बजाय मोदी ने कार्रवाई की। भारत अब सहन नहीं करेगा, वह मुंह तोड़ जवाब देगा। इससे पहले महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के गले में बम बांध देना चाहिए और उन्हें किसी दूसरे देश भेज देना चाहिए। महाराष्ट्र की जलना संसदीय क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बालाकोट हवाई हमले को लेकर कई कांग्रेसी नेताओं द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये विवादित टिप्पणी की। दरअसल ऐसे बेजा बयानों का बेरोक टोक सिलसिला यही बताता है कि हमारी चुनाव प्रक्रिया ही नहीं, राजनीति भी बुरी तरह दूषित हो चुकी है। कहा जा सकता है कि इतने बड़े देश में जहां राजनीतिक दलों की भारी भीड़ है, वहां चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप का जोर पकड़ लेना स्वाभाविक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नेतागण विपक्षी नेताओं के खिलाफ बयान देते समय अपनी हदें पार कर दें। ये साफ बताता है कि भारत दुनिया का बड़ा लोकतंत्र भले हो, लेकिन उसे बेहतर लोकतंत्र का लक्ष्य हासिल करने के लिए अभी एक लंबा सफर तय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो भारत भले ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश हो, लेकिन एक अच्छा लोकतांत्रिक देश बनने के लिए अभी बहुत वक्त बाकी है। आज मुद्दे में हम बात करेंगे नेताओं द्वारा जो बयानबाजी की जाती है, क्या उसका असर पड़ता है और क्या ये सही है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है राजनीति में, खासकर जब चुनाव चलते हैं, लेकिन इतने ज्यादा एक स्तर को पार कर देना, इतने निम्नतम स्तर पर आ जाना, क्या ये सही है? और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोविंद पंत राजू, जो कि सलाहकार संपादक हैं एपीएन के, आलोक अवस्थी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, फैजान किदवई जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और आशा डोबरियाल जो कि नेता हैं कांग्रेस के। तो सबसे पहले हम आलोक अवस्थी जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनके पास जाना चाहेंगे। आलोक सर,
ये जो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के गले में बम बांधकर उन्हें पाकिस्तान भेज दो या फिर विपक्ष को आप रॉकेट के साथ बांधकर वहां पाकिस्तान भेज दो, क्या लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुरूप है ये बयान? देखिए, क्या बयान दिया है, किस संदर्भ में दिया है जानकारी नहीं है। मैं आपको बता देती हूं, जैसे देश के सैनिकों के ऊपर मैं आपको बता देती हूं, मुझे कहने दीजिए, सुन लिया मैंने जितना जी आपका, मैं वो देख चुका हूँ जो आपने चलाया है पैकेज अपना। जी जी, मैं जवाब दे रहा हूँ अपना। जिस तरीके से सैनिकों के सम्मान के ऊपर, सैनिकों की कार्य क्षमता के ऊपर, सैन्य अध्यक्षों के घोषणा के ऊपर संदेह के बादल और सबूत मांगने की बात आई, वहां पर उस बात का प्रमुखता से विचार होना चाहिए कि देश की भाषा जो विपक्ष की है वो पाकिस्तान की भाषा से कैसे मेल खा रही है। जो पाकिस्तान आपको कटघरे में खड़ा कर रहा है कि हमारे यहाँ कोई स्ट्राइक नहीं हुई, हमारे यहाँ कोई हताहत नहीं हुआ, वही कांग्रेस की भाषा और वही विपक्ष के नेताओं की भाषा है, तो क्या हमें उस तरफ उनके साथ खड़ा होना है? इस भाषा को काउंटर करने के लिए आप विपक्ष को ही रॉकेट बांध देंगे? मेरा मानना है कि हम भाषा का संयम होना चाहिए, हमें भी भाषा का संयम रखना चाहिए, हम अपनी भाषा का संयम रखते हैं, कभी भी पार्टी ने जहां तक मैं गलत नहीं हूँ आलोक जी, जहां तक मैं गलत नहीं हूँ, ये जो रॉकेट पे बांधकर पाकिस्तान भेजने की बात है ये आपके बीजेपी के नेता वीके सिंह द्वारा ही सबसे पहले कही गई थी। ठीक है, ठीक कि जिसको सबूत चाहिए उन्हें रॉकेट पे बांध और पाकिस्तान भेज दो, अपने आप सबूत मिल जाएगा, सबसे पहले उन्हीं के द्वारा कही गई थी। जी वंदना जी, आप इस बात के पीछे जाइए कि क्यों ये बात कही गई। ठीक, आप जब सेना के कार्य क्षेत्र में जो उनके द्वारा की गई जो कार्रवाई है आप उस पर संदेह कर उठाएंगे तो उसका एक सैन्य जो अधिकारी रह चुके हैं, पहले जनरल रह चुके हैं, देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, तो जब सेना पे आप उंगली उठाएंगे तो क्या जवाब देंगे वो? भाई आपको सबूत चाहिए तो भाई आप जाकर फिर खुद देख लीजिए साथ जाकर के, या तो आप सैन्य टुकड़ी का आप क्या करते हैं नेतृत्व करिए जाकर के, वो आप कर भी सकते हैं जो कि आपको याद दे देता सैन्य प्रशासन इस बात का। तो ये सिर्फ एक कहने का ढंग था, सिर्फ उनपे एक कटाक्ष था जो लोग देश के दुश्मनों के साथ पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे। हमको तो बात यहाँ पर भी सोचनी चाहिए, जहाँ पर आजम खान ने वहाँ पे रामपुर में जो है इतनी भद्दी भाषा का प्रयोग किया महिलाओं के प्रति, उसकी कोई चर्चा नहीं करती, कोई विपक्ष की तरफ से एक भी आरोप नहीं आया। अखिलेश यादव उस मंच पे साक्षात रहते हैं, ये वैसे ही बात हो गई जब मुख्यमंत्री रहते हुए वो गायत्री प्रजापति के साथ मंच शेयर करते रहे और वो बलात्कार के आरोप में जो है वो आरोपी थे। सीधी सी बात मान के चलिए कि ये विपक्ष का एक तरीके से आई वॉश करने का प्रयास है, और चुनावों में चूंकि मुद्दे खत्म हो गए हैं तो अब इस तरह की बचकानी बातें या अशोभनीय या अश्लील बातें करना उनका धर्म हो गया है। जी मेरा साफ साफ आरोप है। जी फैजान की दुआई, कुछ कहना चाहेंगे आप इस मामले पर? जी मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि ये जो भाषा की बात जहां तक आप कर रहे हैं और जो ज्ञान भाजपा के प्रवक्ता दे रहे हैं वो सबसे पहले ज्ञान जाके प्रधानमंत्री को दें, जो सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, जो एक महिला की हंसी को सूपनखा से कंपेयर करते हैं, दयाशंकर सिंह इन्हीं के पार्टी के जिन्होंने मायावती जी के बारे में जिस तरह की बात की है, उसके बाद दिखावे के लिए कुछ दिन के लिए हटाए गए, फिर इन्हीं के डिप्टी सीएम साहब उनको वापस लेकर के आ गए और फिर से वापस पद उनको दे दिया। तो इस तरह की भाषा पे ये जो प्रवचन दे रहे हैं भाषपा के लोग ना दे, एडीआर की रिपोर्ट है, आजम खान पे कुछ बोलेंगे सर? रिपोर्ट है 500% बढ़ गई। फैजान जी, आजम खान पे कुछ बोलेंगे क्या? आजम खान पे भी कुछ बोलेंगे? दो चीजें, पहली बात जी बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा मैडम। हाँ। पहली बात, आजम खान साहब का बयान, आजम खान साहब पार्टी की विचारधारा नहीं है, विचारधारा पार्टी के अखिलेश यादव साहब हैं, उनके हिसाब से चलती। दूसरा, आजम खान साहब ने जाकर के अपना स्टैंड क्लियर किया है, उन्होंने कहा है कि वो अमर सिंह के बारे में बोल रहे थे। अमर सिंह ऐसे ऐसे क्या क्या नहीं, फैजान जी, फैजान जी आपको लगता है कि मीडिया पागल है? नहीं फैजान जी, आपको लगता है कि मीडिया पागल है या हम लोग पागल? कल को कहेंगे कि मैं तो किसी और के बारे में, क्या कुछ समझ में नहीं आता है क्या यहाँ पर? दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपके अध्यक्ष वहाँ मंच पर खुद बैठे हुए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। पूरे सम्मान के साथ मैम जी, मैडम आपका पूरा सम्मान करता हूँ, आप जो आप मीडिया की हैं, आप इल्जाम लगा सकती हो, मेरा काम है उसका जवाब देना। मैं अपनी सफाई में आपसे, अपनी पार्टी की सफाई में ये कह रहा हूँ, पहली बात, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, उन्होंने क्या बोला वो समाजवादी की विचारधारा को नहीं दर्शाता है। मैं यहाँ पे फैजान जी अखिलेश यादव की बात कर रही हूँ, वही मंच पर बैठे हुए थे जब आजम खान ने बोला था, और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन, कोई स्पष्टीकरण या कोई भी रिग्रेट वाले शब्द अब तक सामने नहीं आए हैं।
और ये बहुत बड़ी बात है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, इस तरह की भाषा को सबको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये आपके क्या नाम है, अमर सिंह ने बोला था कि 150 राइफल लेके आऊंगा, आजम खान दिखेंगे, गोली मार दूंगा। आजम खान की बहू बेटियों को गाली देते रहे अमर सिंह, तो अमर सिंह साहब की उस बात पे आजम खान साहब का यह कहना है कि उन्होंने अमर सिंह साहब को बोला, हालांकि वो भी नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन इसमें उन्होंने जया प्रदा जी के बारे में नहीं बोला। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और उसकी सबसे बड़ी उसका ये आपको मैं आकलन दे दूं, ये आरटीआई की रिपोर्ट है, इन्हीं की होम मिनिस्ट्री की तरफ से आती है। अगर आप क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन कंपेयर करें अखिलेश जी के आखिरी एक साल का और योगी आदित्यनाथ जी के पहले साल का, डाउरी केसेस 6% बढ़ गए, रेप 26% बढ़ गए, किडनैपिंग 35% बढ़ गई, वुमेन अट्रोसिटीज 31% बढ़ गई, मैम 33% योगी राज में औरतों पर अत्याचार बढ़ गए, एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से 35% बढ़ गए। महिलाओं का सम्मान सवाल 1090 शुरू किया था, बालाकोट स्ट्राइक पर सवाल आपकी पार्टी द्वारा भी पूछा गया था। सुनिए, बालाकोट स्ट्राइक पर आपकी पार्टी द्वारा भी सवाल पूछा गया था और अब बीजेपी कह रही है कि जो ये सवाल पूछ रहा है उसको रॉकेट के साथ बांधो और पाकिस्तान भेज दो। क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे इस मुद्दे पर? ये बड़ी पाकिस्तान से मोहब्बत तो इनको है, अब आजकल पाकिस्तान के इमरान खान की नई मोहब्बत हमारे मोदी जी हैं, पहले नवाज शरीफ के थे, और इनके सबसे प्यारे अडानी साहब छत्तीसगढ़ में ट्राइबल्स की जमीन लेकर के जो वहां पे बिजली पैदा कर रहे हैं, रूल के हिसाब से छत्तीसगढ़ को भी देना चाहिए। वो सारे रूल मोदी जी ने हटा दिए, वहां जो बिजली बन रही है बांग्लादेश जा रही है, अडानी सबसे ज्यादा बिजली पाकिस्तान को देता है, अडानी सबसे ज्यादा चंदा मोदी जी को देता है, सब समझते हैं। और बालाकोट और पुलवामा जो अटैक हुआ है, किसकी लापरवाही थी? इन्हीं के एनएसए की लापरवाही थी। पर ये भी तो सही नहीं ना फैजान जी, फैजान जी ये भी तो सही नहीं है कि अपने देश की कार्रवाई पर सवाल उठाए। लोगों ने कहा था लिफ्ट करा क्यों नहीं कराया, फैजान जी ये भी तो सही नहीं है ना कि अपने देश की कार्रवाई पर सवाल उठाए और दूसरे देश की मीडिया को एक हक दे दें या फिर टॉपिक के लिए हंसने के लिए। नहीं मैडम, आशा डोबरियाल ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं, चाहे जितना वैचारिक मतभेद हो हम सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन सरकार जब उसका चुनावी फायदा उठाएगी, जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सबरीमला पे नहीं वोट मांगेंगे, आप स्ट्राइक्स पे वोट नहीं मांगेंगे, आप सुरक्षा पे वोट नहीं मांगेंगे, 156 आर्मी मैन ने ऑफिशियल एक्स आर्मी मैन ने लेटर लिखा है राष्ट्रपति को कि इस तरह से मोदी जी और भाजपा जो कर रही गलत है, आर्मी का अनादर है। और अगर इतना आर्मी की फिक्र है इनको, एयरफोर्स में 11 स्क्वाड्रन हमारे कम है, पैसा देके क्यों नहीं अब तक वो जहाज मंगाए गए? नेवी में जहाज मंगाते हैं, जब राफेल मंगाते हैं तो आप लोग कुछ उठा लेते हो, चाहिए क्यों नहीं मंगाए गए? फैजान जी जब वो जहाज मंगाते हैं, राफेल मंगाते हैं तो आप लोग क्वेश्चन भी उठा लेते हो, आखिर करें क्या? मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। लूट के अंबानी की जेब में भर रहे, जवाब ले लेते हैं। आलोक जी मुझे पहले कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा जी, मैं आपके पास आऊंगी। फैजान जी ने बहुत सारी बातें फैला दी है, अगर वो बिगड़ जाएगा कॉन्टेस्ट, एक बार जवाब मेरा 15 सेकंड का ले लीजिए, फिर आप मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चले जाइएगा। ठीक है जल्दी। देखिए फैजान जी ने जो बातें कही है कि 10 साल विमान क्यों नहीं आया, इसके जिम्मेदार तो आपके सहयोग से कांग्रेस सरकार चल रही थी 10 साल। आपने राफेल में चूंकि दलाली नहीं तय हो पाई, इसलिए जो है उसको खरीदा। दलाली तय कर ली। मैंने फैजान जी सुनिए बात, आपको मैंने इंटरप्ट नहीं किया, सुन लीजिए बात। इन्होंने 10 साल दलाली की वजह से जो है वो जहाज नहीं आने दिए, देश के स्क्वाडन कम हुए, बस सही बात है। मत लगाइए आप, ब्रुल ब्रुल जैकेट 2 लाख ब्रुल ब्रुल जैकेट कांग्रेस सब कुछ बदल दिए, ऐसा शोभा दीजिए। मैं आपको फिर बोलूंगा, बात सुनिए ना, बहुत सारी बड़ी भाषण दे चुके, सुन तो लीजिए, तो मिनट सुनने का ध्यान रखिए। बुलेट प्रूफ जैकेट सैनिकों को मिली नहीं, सैनिक हमारे बॉर्डर पर शहीद होते रहे, क्योंकि उसमें दलाली आई नहीं। 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट हमारी सरकार ने खरीद के दिया, हमारे सैनिक आज सुरक्षित हैं। राफेल जहाज खरीदा गया, उसके ऊपर झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट से भी आपराधिक अवमानना का नोटिस हो गया है, आज राहुल गांधी माफी मांगते घूम रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं बहुत पाकिस्तान की। आतंकवादियों को छोड़ने का काम तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, हमारी सरकार ने उनको कराया है, उनकी पैरोकारी करके आज आजीवन की सजा हुई है उन आतंकवादियों की। फैजान जी सुनिए, आईना देखिए, झूठ थोड़ा सा, अरे आईना देखिए, अरे आईना देखिए, फैजाबाद के अदालतों में अदालतों ने विस्फोट किया था, उनके जवाब देश की जनता के लिए देखिए। आशा जानते जवाब नहीं है, एक मिनट सुन लीजिए, आशा डोबरियाल नेता है कांग्रेस की, मुझे उनके पास जाना होगा। आशा जी
जो इस तरह से बीजेपी द्वारा कहा गया कि जो भी सबूत मांग रहा है उसको रॉकेट के साथ बांधो और पाकिस्तान भेज दो। राहुल गांधी पर पंकजा मुंडे ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि उनको बांधिए और उनको भी पाकिस्तान भेज दीजिए, बम बांधिए उनके गले में, उनको पाकिस्तान भेज दीजिए। पहली बात तो ये, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? दूसरा यही कहना चाहूंगी जी आशा जी, दूसरी बात ये भी है, इससे साथ सवाल ये भी, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए पार्टी पार्टी कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, सबसे पहले अपनी मर्यादा में रह के ही बात करनी चाहिए, अपनी भाषा को नियंत्रण में करके ही बात करनी चाहिए। अगर आप अपनी भाषा में नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, आप इसी तरह के बयानबाजी करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि सभी पार्टियों के लिए शायद गलत है। और रही बात चुनावी दौर पे, अगर चुनावी दौर पे ये सब आप लोग इतनी अपनी भाषा को आप लोग ठीक सही नहीं कर सकते हो तो मुझे लगता है कि ये गलत है। और सभी पार्टियों को अपनी भाषा पे नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। ठीक है आशा जी, आप बम बांध के पाकिस्तान भेज देंगे ये सब कहते हैं तो आप खुद ही देखिएगा कि जनता बहुत समझदार हो चुकी है। जनता इलेक्शन हो चाहे कुछ भी हो, वो आप लोगों को जवाब देगी। जो इस तरह की भाषा का प्रयोग आप लोग करते हैं तो जनता वो भी सुन रही है और जिसपे लगा रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, क्योंकि जनता जनता ही जनार्दन है। जनता सब चीजों का जवाब बहुत जल्द आप लोगों को, ठीक है, निंदा करते हैं कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने ही देश की कार्रवाई पर आप दूसरे देश को अगर सपोर्ट करेंगे, अपने ही देशी कार्रवाई पर सवाल उठाएंगे तो यह भी तो सही नहीं लगता ना। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम लोगों ने पूरा साथ दिया है, हमने सरकार का पूरा साथ दिया है और सरकार का साथ आगे भी देते रहेंगे। अगर आतंकवाद के उस पे कुछ भी होगा तो बिल्कुल सरकार के साथ हम लोग, पूरा देश खड़ा है और पूरे देश सरकार के साथ मिलकर ही आतंकवाद को खत्म करेगा। सबूत क्यों मांगे जाते हैं आशा जी? देखिए सबूत वाली बात नहीं है, सबूत तो सिर्फ एक, आपने एक वीडियो भी वायरल हुआ था जो कि अभी भी हम लोगों ने भी देखा था कि वहां के स्थानीय लोग ही ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहां पे कोई नहीं मरे हैं, तो मैं सबूत वाली बात नहीं है। यही तो दिक्कत है आशा जी, जनता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सरकार के साथ खड़ी है। अगर आतंकवाद के खिलाफ वीडियो देख रही है जिसमें स्थानीय लोग ये कह रहे थे कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, आपने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें वहां के ही स्थानीय लोगों ने कहा था कि हाँ यहाँ पे स्ट्राइक हुई थी? और ये बहुत दुखद हो जाता है भारत के लिए। देखिए बयानबाजी की हम निंदा करते हैं और बीजेपी को भी निंदा करनी चाहिए, इस तरह के बयान बिल्कुल नहीं होने चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बिल्कुल सही कोई भी ऐसा आतंकवाद, मैं आज भी यही कहूंगी कि आतंकवाद के खिलाफ सारी पार्टियों को एकजुट होके ही कार्रवाई करनी चाहिए, कंधे से कंधा मिला के एकजुट होके आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ठीक है, गोविंद पंत राजू सलाहकार संपादक हैं एपीएन के। गोविंद सर, आपने तमाम चर्चा सुनी, सबके रिएक्शन सुने, सबसे पहला सवाल कि क्या राजनीति में कुछ भी कह देना जायज हो गया है? देखिए अभी यहाँ पर कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ सारी राजनीतिक पार्टियों को एक होना चाहिए, मुझे लगता है कि उस आतंकवाद के साथ साथ ये जो जुबानी आतंकवाद है, जो जुबान से फैलाए जाने वाला आतंकवाद है, इसके खिलाफ भी राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए और एक होना चाहिए। बड़े खेद और शर्म की बात है कि महाराज जैसे राज्य का पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री इस तरह की बात करता है कि रॉकेट में बांध कर सबूत मांगने वालों को वहां भेज देना चाहिए। ठीक है, उनको सबूत मांगने वालों पर आपत्ति हो सकती थी, जो लोग सबूत मांग रहे हैं उन पर बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो सकती है, उसको एक तरह से राष्ट्र विरोधी बात कहा जा सकता है, लेकिन कम से कम आप उन पर अपनी आपत्ति को भद्र शब्दों में तो व्यक्त कर सकते हैं। आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप शब्दों की मर्यादा को खोदें और अभद्रता और एक तरह से आतंकवादी भाषा में बात करें? रॉकेट से बात कर भिजवा देने का क्या मतलब है? क्या ये आतंकवादी धमकी नहीं है? और महाराष्ट्र जैसे राज्य के मुख्यमंत्री को, और ये कहकर नहीं बचा जा सकता कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। अभी यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से आजम खान के बयान को लेकर कहा गया, ठीक है आजम खान ने कहा ये उनका व्यक्तिगत बयान है, उसके खिलाफ उनकी कार्रवाई हो गई, लेकिन क्या पार्टी की तरफ से उस तरह की महिलाओं के प्रति जो अभद्रता की बात कही गई, पार्टी की तरफ से उसके को लेकर किसी तरह का कोई अधिकृत बयान आया? अखिलेश यादव की अगर इस मामले पर चुप्पी है तो इसको क्या समझा जाए? इसको क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि हाँ समाजवादी पार्टी उनके बयान का समर्थन करती, और पिता तो पिता, उनके पुत्र ने जो बात कही है जिस पर मुकदमा हो गया है, और वो भी एक महिला के लिए, उसी महिला के लिए, तो मुझे आप क्या कहेंगे कि वो भी उन्होंने अमर सिंह के लिए कहा था? ये अभद्रता है, ये बदतमीजी है, ये आप अराजकता है, आप गुंडागर्दी, शाब्दिक गुंडागर्दी करके
चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और सारे राजनीतिक दल इसमें एक जैसे हैं। बहाना बहुत अच्छा है कि वो उन्होंने कहा उनका व्यक्तिगत मामला था, पार्टी हाथ झाड़ लेगी, कांग्रेस ने बहुत किया है, बीजेपी ने भी किया है और समाजवादी पार्टी भी कर रही, लेकिन क्या हम एक तरफ इतना आधुनिक भारत हो रहा है, हम इतने आधुनिक समाज की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह की अभद्रता, इस तरह की आतंकी ये शब्दावली, ये कहां ले जाएगी हमारी राजनीति को? तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए इस पर। ये व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का सवाल नहीं है, देश का नागरिक, आप सांसद हैं हमारे, आप प्रतिनिधि हैं, आप संसद के अंदर जाकर हमारी बातों को रखेंगे और आपकी अगर भाषा ये है, आपके संस्कार अगर ये हैं, तो हम आपसे क्या उम्मीद रखें? बिल्कुल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की भाषा का, और बहुत अच्छा शब्द आज गोविंद सर ने दिया, जुबानी आतंकवाद कब खत्म होगा? गोविंद सर, आप कुछ, फैजान साहब कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी फैजान जी। जी मैं जैसे बार बार यही कह रहा हूँ कि महिलाओं का सम्मान हमारी पार्टी में सबसे ऊपर रखा जाता है। हमने 10-90 शुरू किया था, हमने 10-90 ऐप शुरू किया था। गोविंद जी ये कह रहे हैं कि जब महिला का अपमान होता है तो आपकी पार्टी को स्पष्टीकरण नहीं दे रही है। देखिए फैजान जी, ये गोविंद जी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि जब महिला का अपमान होता है, वो भी इस लेवल पे जाकर कि सारी मर्यादाएं क्रॉस कर दी जाती हैं आपके पार्टी के नेता के द्वारा, और फिर उनका बेटा भी वही कर रहा है, तो आपकी पार्टी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आता है और बहुत दुखद है ये। किस तरह का सम्मान की आप बात करते हैं? क्या क्या आपका इंप्रेशन क्या जा रहा है महिलाओं के बीच में? नहीं मैडम, हम बार बार यही कह रहे हैं, अपनी बहनों से, अपनी माताओं से यही कह रहे हैं कि हम कमिटेड हैं महिला सुरक्षा के लिए, महिला सम्मान के लिए। वही मैं आपसे बता रहा हूं कि अखिलेश यादव की ही सोच थी कि 10-90 हेल्पलाइन बनाई गई, पूरी महिलाएं वहां पे थी उस डिपार्टमेंट में, ताकि जब महिला कॉल करें तो फौरन उनको कोई हिचक ना हो, कोई घबराहट ना हो अपनी बात कहने में। 5,68,000 केसेस रजिस्टर हुए, 5,52,000 कुछ ही हफ्ते में सॉल्व कर लिए गए थे, और वो आते ही बीजेपी ने उस हेल्पलाइन को बंद कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज एसिड अटैक महिलाओं पे हो रहे हैं, महिलाएं छेड़ी जा रही हैं, वो तकलीफ में सुसाइड कर रही हैं। ये अभी पिछले दो हफ्तों के अंदर दो महिलाओं ने इफ टीजिंग के चक्कर में उनको शोधे छेड़ते थे, उसमें सुसाइड कर लिया है। बाबा मुख्यमंत्री बात करते हैं रोमियो स्क्वाड की, रोमियो स्क्वाड आज कहां है? गायब हो गया है। पहले यही रोमियो स्क्वाड महिलाओं को अपने भाइयों के साथ घूम रही हो, या महिलाएं अपने पिता के साथ घूम रही हो, उनको सरेआम जलील करते थे। इन्होंने कोई महिला सुरक्षा नहीं की, इन्होंने अपनी जो एक विचारधारा, एक पेट्रियार्कल आरएसएस की जो विचारधारा है, पुरुष प्रधान के महिला को दबाओ, ये सिर्फ वही काम कर सकते हैं। समाजवादी कहता महिला को खुला छोड़ो, उसको आजादी दो, उसको ताकत दो। हमारे जो पत्रकार साथी यहां बैठे हैं, उन्होंने हम पे तो इल्जाम लगा दिया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो मोदी जी से भी सवाल पूछेंगे कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड क्यों बोला, वो मोदी जी से भी सवाल पूछेंगे कि आप महिला को सूचना का तारा कैसे बोल सकते हैं। हम सवाल सबसे ही पूछते हैं फैजान जी। जी आपसे नहीं कह रहे थे, जो हमारे साथी पत्रकार यहाँ अगर वो हमारे ही साथी पत्रकार हैं। जी 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 आलोक जी, मैं जी आलोक जी कुछ कहना, जी आलोक जी बताएं। वंदना जी, इन्होंने पुरुष प्रधान की बात करी भारतीय जनता पार्टी की, हम तो महिलाओं को समान अधिकार की बात कर रहे हैं। महिला बिल लाए, रोका किसने? मुलायम सिंह जी ने वहां विरोध किया लोकसभा के अंदर, वहां पे महिला बिल उनकी वजह से रुका। आज मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक के मुद्दे पे कानून बनाया है, उसको रोका किसने? कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी के लोगों ने राज्यसभा में रोका। ये महिलाओं की बराबरी की बात करते हैं, ये यहाँ पर चैनल पे कुछ बोलते हैं और जहां पर कानून बनना होता है, जहां पर उनको अधिकार मिलने की बात होती है, वहां पर जाकर विरोध करते हैं। तो इनका दोहरा चरित्र सामने है। दूसरी बात आपको याद करना चाहिए, जब मुलायम सिंह जी पार्टी के इनके अध्यक्ष थे तो बलात्कार की घटना पर उन्होंने क्या कहा था कि लड़कियों से गलती होती है, पूरा परिवार तबाह हो जाता है लड़की का, पूरा समाज उसको जो है वो सर नहीं उठा पाती है, उसके लिए उन्होंने कहा लड़कों से गलती जाती है। तो ये तो ये भी याद है अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी ने उसी बात दूसरी बात का खंडन किया था और कहा था खंडन करने से क्या होता है? फिर आपकी पार्टी के द्वारा इस तरह की बदजुबानी सामने आई, और फिर पिता ने तो क्या किया, बेटा भी अब सामने आ गया है। और देखिए पुष्टिकरण और तुष्टिकरण की राजनीति मुस्लिम राजनीति की वजह से आजम खान के खिलाफ इनकी पार्टी कभी कार्रवाई नहीं कर सकती। ये आजम खान ही थे। आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस द्वारा राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिया गया है, साथ ही पंकजा मुंडे ने कहा है कि राहुल गांधी को रॉकेट के साथ बांध दो और उन्हें पाकिस्तान भेज दो क्योंकि उन्हें सबूत चाहिए। और इस मुद्दे पर हम चलते हैं फैजान किदवई के पास, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। फैजान साहब, तमाम बयानबाजी पर हम बात कर रहे हैं, पर इस मुद्दे पर आपकी प्रतिक्रिया मैंने अब तक नहीं ली है, क्या कहना
करना चाहेंगे आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को? छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है वो, एक पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और वो इस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में कह रहे हैं कि उन्हें रॉकेट के साथ बांध दो और पाकिस्तान भेज दो। साथ ही पंकजा मुंडे साथ साथ कह रही हैं कि इन्हें इनके गले में एक बॉम्ब बांध दो और इन्हें भी पाकिस्तान भेज दो। जी बड़े बड़े अफसोस और बड़े शर्म की बात है कि आप अपने ही भाई, अपने भारतीय भाई को किसी को इस तरह से उसके बारे में बोलेंगे कि उनको रॉकेट से बांध दो, उनके बम बांध दो। ये तो एक तरीके का आतंकवाद है, ये सभ्य भाषा नहीं है। बाकी राजनीतिक विरोध रहेगा, सवाल भी पूछे जाएंगे प्रधानमंत्री से हर तरह की। यही तमाशा इन लोगों ने शुरू किया जिसको आडवाणी जी ने लिख के अपना ब्लॉग में लिख के एक लेटर में लिख के भेजा था कि हमसे जिनका वैचारिक मतभेद हो या राजनीतिक मतभेद हो उनसे हमेशा से हम ऐसे मतभेदों को सामना करते आए हैं। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। आप उनको उठा के पाकिस्तान भेज दो या नेपाल भेज दो या बांग्लादेश भेज दो, ये सब तो नहीं करेंगे। ये तो घबराहट का नतीजा है भाई। इनके पास जैसे इनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार एम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। इस बार अभी फिर से इन्होंने टीप दिया अपना एम्प्लॉयमेंट, ये अपने उसमें कॉपी पेस्ट कर दिया अपना संकल्प पत्र में कश्मीरी पंडित भाइयों के बारे में। पिछली बार वादा किया था 12,000 कश्मीरी पंडित हर साल वापस लाएंगे कश्मीर में, एक भी नहीं लाए। धारा 370 की बात करते हैं, 35A की बात करते हैं, महबूबा मुफ्ती से सरकार बनाते हैं, राम माधव उनके पैर में गिर जाते हैं कि जब तक सरकार चलाएंगे कुछ नहीं करेंगे। तो अगर इस पे हम लोग भी खड़े होकर बोलने लगे कि इनको पाकिस्तान भेज दो, कहां भेज दो, तो बात उतनी ही गलत होगी। हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी वैचारिक मतभेद हो ये हमारे हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, अलग मुख्तलिफ विचारधारा है। और यही खूबसूरती हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी की कि हर तरह की विचारधारा एक साथ रहे, एक दूसरे से इख्तलाफ ले लड़ते रहे, मतलब कायदे से संविधान के दायरे में रह के चुनाव लड़ते रहे। लेकिन ये थोड़ी कि इनको उठा के बाहर फेंक दो, उनको वापस ले आओ, ये गलत बात है। और भाजपा हो सके तो कम से कम वो विचारधारा माने जो अटल बिहारी वाजपेयी की थी, आडवाणी जी की थी। इनके साथ इख्तलाफ रहा भी, लेकिन कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये मोदी साहब की भाजपा अलग चल रही है, तभी जनता को उन पे गुस्सा है, क्योंकि सिर्फ जुमला दिया है, सिर्फ झूठे वादे। आलोक जी जवाब देना चाहेंगे आप? वंदना जी, हाँ बिल्कुल देना चाहेंगे वंदना जी। अभी आज ही आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक अवमानना का नोटिस राहुल गांधी को दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री को चोर कह रहे थे बिना सबूतों के आधार पर, जिसपे की सीएजी भी उनको बता चुकी है, संसद में भी वो कोई तथ्य नहीं रख पाए और सुप्रीम कोर्ट भी कोई तथ्य नहीं रख पाए। भाषा की मर्यादा कभी भी नेताओं ने नहीं रखी है। यही आजम खान थे जो कहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जहां पर रख जाती है वहां पे भूमाफिया जमीन पर कब्जा करते हैं, और जिधर जो है अम्बेडकर जी उंगली उठाते हैं वो जमीन अगली बार कब्जा होगी, ऐसा इशारा करते हैं। ये बयान उनका था। ये भी बयान आपको याद दिलाना मैं चाहूंगा कि क्या कहते हैं आजम खान जी का ये बयान था कि उन्होंने ये कहा था कि सेना में हमें कितने मुसलमान और कितने हिंदू हैं उसके आधार पर गिनती, कभी भी सेना के शौर्य पे या सेना के उस पर उंगली उठाए, तो उन्होंने ये बात कही। और बुलंदशहर में बलात्कारियों के आरोपियों को छुड़ाने के लिए उन्होंने बयानबाजी करी थी, सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली थी उनको। अखिलेश यादव की अगर आप बात कर लेंगे तो अखिलेश यादव के लिए महिलाओं की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी विरोध करती है संसद में महिलाओं बिल के बिल पर, और वो महिलाओं के साथ नहीं खड़ी है। आजम खान के मंच को शेयर कर रहे थे, यहां तक कि वो वहां पर भी विरोध नहीं कर पाए, और बाद में भी उनका किसी अधिकृत प्रवक्ता का बयान नहीं आया, वो आजम खान की लिपापोती करते रहे और महिलाओं के लिए उनके अंतावस्त्रों तक की बात हो गई। कितने शर्म की बात है, राजनीति में अब हम यहां पहुंच गए हैं। और दूसरी बात आप कांग्रेस का ले लीजिए, कांग्रेस में सेना को के अध्यक्ष को गुंडा कहा गया, कांग्रेस में प्रधानमंत्री को नीच तक कहा गया, प्रधानमंत्री जी को चोर तक कहा गया, प्रधानमंत्री जी को खून का दलाल तक कहा गया। आखिर ये कौन से की भाषा है? देश का प्रधानमंत्री है, आपकी एक पार्टी का प्रधानमंत्री अगर नहीं बन पाया, आप सत्ता के लिए इतने लालायित रहते हैं कि अपने सहयोगी दलों के साथ लेकर के एक ही तरह की भाषा ही आप जो है अमर्यादित कर रहे हैं। और जो बात गोविंद जी ने कही कि वाकई भाषा का जो आतंकवाद शुरू हो गया है इस पर बहुत सख्ताई से रोक लगनी चाहिए, किसी पर भी आरोप लगाओ और भाग जाओ, और बाद में जो है आप उसमें जो है माफी मांगते घूमो। चिट्ठा आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी ने कैसे माफिया मांगी है। यही स्थिति जो है राहुल गांधी की होने वाली है, क्योंकि उन्होंने इतने झूठ बोले हैं, इतने आरोप लगाए हैं जिनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अगर उनके पास कोई तथ्य होते तो सुप्रीम कोर्ट में रखते, उनके पास तथ्य होते तो वो लोकसभा में रखते, ये दोनों बड़े स्वतंत्र वो थे, या वो मीडिया के बीच में रख देते। उन्होंने सिर्फ आरोप लगाए हैं, कहीं कोई तथ्य नहीं रखा है। इसलिए झूठों के साथ में सरकार नहीं है, जनता नहीं है। जनता जो है ईमानदार प्रधानमंत्री, सफल प्रधानमंत्री जिसने देश का गौरव बढ़ाया उसके साथ खड़ी है। आशा डोबरियाल जी, आशा डोबरियाल जी जवाब देना चाहेंगे आप? हां जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी, मैं भाजपा की इस रणनीति से एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगी कि एक ही परिवार के दो बेटे, एक बेटा आपकी पार्टी में है आदरणीय वरुण गांधी जी,
और एक बेटे जो कि कांग्रेस में है हमारे ये हमारे गांधी जी, तो आप ये कहते हैं आप उनके गोत्र के ऊपर सवाल उठाते हैं, आप क्यों राहुल गांधी जी और इनके गोत्र के ऊपर आप सवाल क्यों उठाते हैं आप ये बताइए, क्योंकि वो आपकी पार्टी में है तो वो आपके लिए अच्छे हो गए। और दूसरा भाई अगर कांग्रेस में तो आप उनके गोत्र के ऊपर आवाज उठाते हैं, आप सब कुछ उठाते हैं, आप एजुकेशन से लेके उठाते हैं, आप उनके गोत्र के ऊपर सवाल उठाते हैं। अरे भाई जरा ये तो देखिए कि आप भी तो गलत है, और आप अगर आप मेरी बात सुनिए, आप बात करते हैं, आलोक जी पहले सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा, आलोक जी पहले सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा, मेरी बात सुनिए, आलोक जी सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, आलोक जी कितना महिलाओं का सम्मान मिलता है यूपी में ये हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं, आज भी जितनी भी बलात्कार की घटना यूपी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। आलोक जी किस बारे में आप बात कर रहे हैं? नहीं आप ये मैं भी आशा जी सुनिए, आशा जी जो समाज आशा जी सुनिए आप इस्तेमाल आशा जी गलत भाषा नहीं होनी चाहिए। आशा जी जब समाजवादी पार्टी द्वारा जयाप्रदा पर कमेंट किया गया तो कांग्रेस भी तो खुलकर सामने नहीं आई, कांग्रेस तरफ से कौन सा प्रतिक्रिया सामने आई, क्यों नहीं ऐसा हुआ कि सभी पार्टियां एक साथ हो गई? देखिए मैं महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं, आप कहना चाहूंगी कि अगर हम लोगों ने हमें सबसे पहले महिलाओं के सम्मान की बात है, वो दो जो भी पार्टी हो वो हमारी पार्टी हो या भाजपा हो या कोई भी हो, महिलाओं का सम्मान सबसे पहले होना चाहिए। मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगी कि महिलाओं का ही सम्मान होना चाहिए, महिलाओं को सर्वोपरि रखना चाहिए सबसे पहले। और ये कहना चाहूंगी जो भी ये जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कोई भी पार्टी दल हो, तो इनको अपनी जुबान पर सबसे पहले लगाम लगाना चाहिए। चुनाव में अगर आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो सभी पार्टियों के लिए गलत है। सबसे पहले अपनी जुबान बदलिए, सबसे पहले अपनी जुबान पे लगाम लगाइए, और अब जो भी आप लोग बयान देते हैं सबसे पहले उनको सोच चौकीदार चोर है बयान, ठीक है आशा जी, और इस तरह के चौकीदार चोर है क्या ये बयान सही है आशा जी? सबसे देखिए मैं यही बताऊंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ दो देखते हैं, चाहे वो अंबानी हो या अडानी हो, क्योंकि उनका साथ सिर्फ वो है, उनसे नीचे तो वो लोग कुछ और देखना ही नहीं चाहते, तो ये क्यों आप ये बताइए? नहीं आशा जी चोरी तो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आपको हम बता दें कि राहुल गांधी ये बयान तो दो देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल करते हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं वंदना जी। जी आपके चैनल का उपयोग इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है? राहुल गांधी जी ने आपराधिक अवमानना नहीं, राहुल गांधी जी ने जी आलोक जी जवाब दीजिए, आलोक भाई साहब मुझे आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं सुनाई दी, इन्होंने कहा कि चोर कहां से चोर आया, चोर अगर किया तो चोरी का सामान कहां है, आपके पास क्या सबूत है, आप लोग सबूत को जनता के बीच में क्यों नहीं रखा, खाली आपके आरोप लगा देने से क्या होगा, आपके पास अगर कोई सबूत नहीं है इसका मतलब आप चुनाव में लाभ लेने के लिए सत्ता के लालच में अंधे होकर के आप किसी भी ईमानदार आदमी पे आरोप लगा देंगे। आपको सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली है, अभी दंड भी मिलेगा जो सबसे आज नोटिस मिली है, मुझे लगता है कि दंड की तरफ आप ही बताइए कि दो इन्होंने संसद में भी नजरे भी देखिए, दो व्यक्तियों पे ही आपका सारी प्रक्रिया बिल्कुल ठीक से हुई है, आप ये देखिए कि दो पे आशीर्वाद नहीं पूरी जनता पे आशीर्वाद रखी है, यदि कांग्रेस सरकार ने उनको बनाया अडानी और अंबानी, हमारी सरकार में कोई अरबपति करोड़पति नहीं बना, जो व्यापार चलते चले उनको उन्होंने किया, अगर कांग्रेस सरकार ने अगर कांग्रेस गरीबों के लिए बनाया है तो सरकार ने गरीबों को भर दिया, सरकार ने गरीबों को बिजली घर में पहुंचाई, सरकार ने गरीबों का इलाज सस्ता किया, सरकारों ने उनका स्वास्थ्य बीमा किया, सरकार ने किसानों को सरकार को कहां खड़ा कर दिया है। आलोक जी आप बताइए मेरे बड़े भाई, देश आज 143 से बढ़ के 71 में छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व में, देश आज यहाँ पे खड़ा किया है, 4% के आस पास आलोक जी आशा जी आलोक जी आशा जी ये तो सत्य है, ये तो सच्चाई है कि जो भाषा की मर्यादा इस चुनाव में लांघी गई इससे पहले शायद ही कभी हो, जुबानी आतंकवाद शब्द आया है आज और मुझे लगता है कि बहुत हद तक इस चुनाव में देखने को मिला। गोविंद सर क्या कहेंगे आप? देखिए ये चुनाव अनेक मामलों में बिल्कुल अलग तरह का चुनाव, ये सामान्य लोकसभा का चुनाव नहीं है, क्योंकि इस चुनाव से बहुत सारे राजनीतिक दलों की, बहुत सारे राजनीतिक नेताओं की, उनके भविष्य की रूपरेखा तय होनी, इससे बहुत सारे नेता जो अब राजनीति को एक तरह से पेशा या कैरियर मानने लगे, उनके कैरियर का भविष्य तय होना,
तो इसलिए स्टेक बहुत ऊंचे हैं, जो दांव है वो बहुत बड़ा दांव है। और राजनीति में दुर्भाग्य से जो युवा राजनीति है वो चीजों को सीखने और चीजों की गंभीरता में जाने की कोशिश के बजाय वो हवाई बातों पर ज्यादा उसका ध्यान रहता है। बहुत अच्छा होता कि ये चुनाव मुद्दों पर होता, ये चुनाव इस बात पर होता कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था, जो घोषणाएं की थी, जिन घोषणाओं को अपने घोषणा पत्र में उन्होंने स्थान दिया था, उनमें वो आज कहां तक पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि वो 5 साल जब पूरे होंगे तो अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने लाएंगे। बहुत अच्छा होता कि उनसे उस रिपोर्ट कार्ड के बारे में पूछा जाता और उस रिपोर्ट कार्ड पर बहस होती और उस रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छा होता कि राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमले, उनके परिवार, उनके गोत्र या उनकी धार्मिक आस्था पर हमले करने के बजाय ये पूछा जाता कि पार्टी के उपाध्यक्ष और पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए एक सांसद के तौर पर संसद में उन्होंने क्या किया, पार्टी के हित में उन्होंने क्या किया, अमेठी की जनता के हित में उन्होंने क्या किया। लेकिन इन सवालों पर बहस नहीं होती, बहस ऐसे मुद्दों पर होती है जिनका कोई जमीन पर कोई आधार नहीं है, जो सिर्फ हवा में मुद्दे हैं। राहुल गांधी तो यहां तक कह देते हैं कि अगर हम 72,000 करोड़ देंगे, जिस पर अभी उनको नोटिस भी मिला है 72,000 रुपए जो देने की उनकी जो योजना है, उस योजना पर हम वो योजना देंगे, उस योजना के बाद लोगों के पास पैसे आएंगे, फिर लोग सामान खरीदना शुरू करेंगे, जब लोग सामान खरीदना शुरू करेंगे तो फैक्ट्रियां चलने पड़ेंगी और उसके बाद देश विकास की तरफ आगे आएगा। इस तरह की सेकचिल्ली परिकल्पनाओं से देश आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन दुर्भाग्य से इस चुनाव में इसी तरह की बातें कही जाती हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से भी इसी तरह की हवाई घोषणाएं, हवाई बातें होती हैं। जो काम, जिन कामों पर उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था, उन कामों पर उन्होंने क्या किया, इस पर अगर स्पष्ट तरीके से जनता के बीच में बताने की कोशिश उनकी तरफ से भी होती तो वो जनता के साथ न्याय होता। लेकिन जनता की चिंता किसी को नहीं है, सबको चिंता इस बात की है कि भविष्य में दिल्ली की कुर्सी किसको मिलेगी, कौन दिल्ली की कुर्सी का हकदार होगा। इसीलिए राहुल गांधी यहां तक उन्होंने कह दिया कि मैंने अपनी बहन से कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में जहां हमारे उम्मीदवार कमजोर हों, वहां वो इस चीज का ध्यान रखें कि सपा बसपा के गठबंधन के उम्मीदवार का नुकसान न होने पाए। ये क्या संकेत है? ये संकेत यह है कि अगर बाद में दिल्ली की सत्ता हासिल करने में कोई दिक्कतें हों तो जिनका खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ भी आप सत्ता में सहयोग कर सकें। तो जब इस तरह की नीयत से चुनाव लड़ा जा रहा है तो फिर ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल होगा और ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल होगा, क्योंकि मुद्दों से किसी को ना मुद्दों की समझ है और ना मुद्दों से जनता के बीच मुद्दों को ले जाने में किसी की रुचि है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आलोक जी, जैसा कि गोविंद सर ने कहा कि मुद्दों में तो किसी की रुचि बची नहीं है, और जिस तरह से राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि भाई अगर जीतना है, यानी कि हमें अगर जीतना है तो फिर कुछ भी, चाहे बाद में चुनाव के बाद हमें गठबंधन करना पड़े, चाहे पहले नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, पर हम कुछ भी करेंगे। और ये जुबानी आतंकवाद भी उसका ही एक नतीजा है कि किसी भी लेवल पे जाकर ये बात कही जाएगी, इस तरह से जुबान जोरी की जाएगी, कुछ ना कुछ अपशब्द कहे जाएंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, गोविंद जी ने जो बात कही है वो वाकई जो है वही बात रहनी चाहिए, चर्चा भी मुद्दों के आधार पर ही होनी चाहिए। और ये एक स्वस्थ परंपरा है, विपक्ष का होना भी आवश्यक है और सत्ता पक्ष का भी रहना आवश्यक है। लेकिन बात जहां तक प्रधानमंत्री जी और की बात आती है, और जहां पर गोविंद जी ने कहा कि उनके कार्यों पे चर्चा होनी चाहिए थी, तो जरूर मैं भी चर्चा करना चाहूंगा उस पर। आज जो है 17 करोड़ लोगों को मालिक बनाया है, मुद्रा बैंक से स्वरोजगार के लिए उनको ऋण दिया गया है। आज जो है गरीबों को पहले दवाइयों के लिए खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, बेचारे मर जाते थे, आज उनको 5 लाख रुपए का बीमा दिया है। आज जो जीवन रक्षक जो दवाइयां थी, जन आरोग्य केंद्र खोल करके 70% तक उनके दाम कम किए हैं। ये जन गरीब जनता के लिए काम किए हैं। जिन गरीब जनता को लकड़ी की जला करके आंखों में आंसू आते थी, आंखें खराब होती थी चूल्हे में, उनके घर में गैस पहुंचाई, वो गरीबों के लिए पहुंचाई है। आज गरीबों के घर में शौचालय नहीं थे, 9 करोड़ से अधिक शौचालय सरकार ने बना करके दिए है, इससे कि महिला महिलाओं की इज्जत उनके घर के अंदर सुरक्षित है, वो वहां पर अपना नित्यक्रम कर सकती है। वो शौचालय कभी किसी ने जिंदगी में सोचा नहीं था। आज गरीबों के घर में कैसे
उनको जो श्रमिक हैं उनको कैसे पेंशन मिले 3000 रुपया हमने उसकी चिंता करी है, किसानों को 6000 रुपया कैसे उनको सम्मान निधि मिले हमने उसकी चिंता करी है और दिया भी है। इसलिए ये कहना कि सरकार ने जितना घोषणा पत्र में कहा था हमने उससे अधिक करके दिया है, ये सारी बातें घोषणा पत्र में नहीं थी। आशा जी क्या सहमत है आप इस बात से? आशा जी क्या सहमत है आप इस बात से? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस बात से। आप अपने घोषणा पत्र में जो जो आपने जब प्रधानमंत्री की कुर्सी में आप बैठे थे, जब आपने जो जो दावे किए थे हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या वो आप उस पे खरे उतरे हैं? और बिल्कुल मैं आदरणीय गोविंद पंजी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो इलेक्शन लड़े जाते हैं, जो चुनाव लड़ा जाता है वो मुद्दों के आधार पर लड़ना चाहिए, जो कि और मुद्दों के आधार पर लड़ना चाहिए और मुद्दे आगे आने चाहिए कि आपने क्या किया है क्या क्या नहीं किया है। आपने तो वादा भी किया था कि एक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, तो क्या वो आए? वो नहीं आए। तो इसीलिए जो भी है इलेक्शन होते हैं, जो भी होता है ये अपने एक जुबानी, सबसे पहले देखिए जुबान के ऊपर मैं बात कहूंगी कि आप जो भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो कृपया करके नहीं करना चाहिए, वो कोई भी पार्टी हो, तो अपनी मर्यादित भाषाओं का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फैजान जी आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस मुद्दे पर? जी, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कुछ चीजें स्कीमें गिमाई, उज्ज्वला योजना बोला, तो उनको बता दूं रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कंपैशनेट इकोनॉमिक्स का कहना है कि 85% यूपी बिहार एमपी राजस्थान में जो लाभार्थी थे उनको इसका लाभ नहीं मिला, क्योंकि देखिए गैस के दाम इन्होंने 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिए, तो पहले जो लोग गैस नहीं ले पाते थे वो पैसे की वजह से आज तो इतना बढ़ गया है वो कहां से लेंगे, एक तिहाई लोग साल में 1-2 बार आए, दो तिहाई गुमराह कर रहे हैं। गैस सब्सिडी बोला था अभी, मैं बीच में नहीं बोला था, और आपने फसल बीमा योजना की जहां तक बात है, जो फसल बीमा योजना में 20,000 करोड़ का फायदा इंश्योरेंस कंपनियों का हुआ है, किसानों का फायदा नहीं होता है, और इन्होंने उज्ज्वला गैस फ्री में नहीं दिया है, ईएमआई पे दे रहे हैं, उसपे जो लाभार्थी जब साइन करते हैं उसमें उसको लिख के देना होता है, ईएमआई पे ले रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ लीजिए फ्री में कुछ नहीं दे रहे, सारी स्कीमें इनकी ठप है, और वे बात कर रहे किसानों का भला कर दिया, इन्होंने पहले कहा था कि A2+FL जो पुरानी सरकार दे रही थी उसको हटा के C2 यानी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट इंप्लीमेंट करेंगे, नहीं किया। ये पूरा ब्यौरा है कि जितने पे इनको देना चाहिए था उतने पे नहीं दे रहे, और जितने पे वादा किया यानी A2+FL के हिसाब से भी किसान को नुकसान हो रहा है, सूरजमुखी है 1700 का नुकसान हो रहा है, उसपे किसान कांग्रेस 72,000 रुपए दे पाएगी? अब वो सर मैडम वो कांग्रेस जाने, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि गरीबों को इतनी ताकत दे दें कि उनको सब्सिडी के पैसे की जरूरत ना हो, तो उनको रोजगार देंगे हम, सरकार की बदल गई उत्तर प्रदेश में जी, पहले जब आपकी सरकार थी तभी चाह लेते, तब क्यों नहीं चाहा आपने, सरकार क्यों बदल गई? मैडम सरकार इसलिए हमारी बदल गई क्योंकि भाजपा ने जैसे 2014 में जुमले दिए थे 2014 में भी जुमले दिए थे, लेकिन क्या किया, शिक्षा मित्रों से इन्होंने वोट लिया लेकिन शिक्षा मित्रों को लाठियों से पिटवाया, आशा बहू को लाठियों से पिटवाया, आंगनवाड़ी के साथ क्या किया, ये सारी बातें ये सारे मुद्दे आज जनता को समझ में आ रहे हैं। वही शिक्षा मित्र आज इस भाजपा की झूठी जुमलेबाज ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाली जुमलेबाज सरकार के खिलाफ खड़ी है, आज यही लोग बाहर निकल के वोट डाल रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूं सारी चौकियां छिनेंगी इन फर्जी चौकीदारों की, जनता वोट दे देकर इन चौकीदारियों की चौकी छीन रही है। बाबा मुख्यमंत्री को आज सच्चाई पता चलेगी कि जनता के साथ आप झूठ और छल बहुत दिन तक के नहीं कर सकते हैं, जनता देखती है और सूद समेत हिसाब लेती है, और हम समाजवादी लोग जनता के साथ, अल्पसंख्यक के साथ, पिछड़ों के साथ, SC ST के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ठीक है वंदना जी, मैं जवाब देना चाह रहा हूँ, इनको सरकार क्यों हटा के, मैं एक उदाहरण दे दे रहा हूँ आपको, खनन के मामले में इतने बड़े घोटाले हुए सरकार में, इनकी सरकार में 1400 करोड़ रुपया साल का वो राजस्व आता था, आज 5,000 करोड़ रुपए आ रहा है, भाजपा के दो और दो विधायक और सुन तो लीजिए आप सवाल का जवाब सुन लीजिए, सिर्फ दो केस आपने किए थे, क्यों हटाए गए, क्या कार्रवाई कर दी सरकार, 13,000 करोड़ रुपए एक्साइज टैक्स आता था इनकी सरकार में, आज 29,000 करोड़ रुपए आ रहा है, इसी तरह से मंडी शुल्क 600 करोड़ रुपए इनकी सरकार में आता था, आज 1800 करोड़ रुपए आ रहा है। सीधी सी बात है क्यों हटाया गया, क्योंकि 3 गुने का अंतर है, देखिए आज जो जमा सरकार में आ रहा है, बंदर बांट हो रही थी, डबल पर्चे चल रहे थे, और कानून व्यवस्था पे बुरा हाल था, अपराधियों का बोलबाला था, थानों में गोली लगती थी, आलोक जी वाकई इतना अच्छा था, सुनिए अपराधी गले में तख्ती डाल करके घूमता, आलोक जी अगर वाकई इतना अच्छा हो रहा था, सुनिए आलोक जी अगर वाकई इतना अच्छा हो रहा था तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों हुआ, फूलपुर, गोरखपुर में ऐसा क्यों हो गया,
देखिए फूलपुर गोरखपुर में कोई प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हो रहा था, लोकल मुद्दे पर चुनाव था, इसलिए उसकी बराबरी आप देश के आम चुनाव से नहीं कर सकते। आज तो ना इनके पास नेता है, ना नियत है, ना इनके पास कोई प्लेटफॉर्म है। ये कहां कौन नेता है इनका, क्या मिनिमम एजेंडा है इनका, क्या ये जनता के लिए देने वाले हैं, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? आज इनके पास नेता तक नहीं है। इन दलों के पास 36 सीटें लड़ रहे हैं, ये 36 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ रही है और 272 सीटें कहां से लाएगी, इसका जवाब नहीं है। आज आज मायावती जी 37 सीटें लड़ रही है, 272 कहां से लाएगी, जवाब नहीं है। यहां तक कांग्रेस भी 272 सीटें नहीं लड़ रही है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि किस तरह से भाग रहे, जैसे यूपीए वो 2 में घोटाले हुए थे, 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाले हुए थे, उसी तरह का ये घोटाले पेश करेंगे। सीधी सी बात ये है, ये देश को लूटने के लिए संगठित हो रहे हैं, हम देश को बनाने के लिए अकेले खड़े हुए हैं। तो देश को बनाना और देश को लूटना जनता को अच्छे से मालूम है, किसने देश को लूटा। आज जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लाभार्थी को डायरेक्ट पैसा जाता है। आज पैसा कभी भी जो है बिचौलियों को नहीं जाता है। आज खरीद सरकार डायरेक्ट करती है। आज गेहूं की खरीद हो रही है, धान की खरीद हो रही है, दिलान तिलान की खरीद हो रही है, कभी नहीं होती थी ये खरीद, ये सरकार हमारी कर रही है। अरे तुष्टिकर आतंकवादियों को छोड़ने वाले आज बात कर रहे हैं यहाँ पे, आतंकवादियों को छोड़ने वाले आज बात कर रहे हैं, आतंकवादियों को छोड़ने वाले आज बात कर रहे हैं। हमारी सरकार ने सजा दिलवाई उन आतंकवादियों को, आजीवन कारावास सजा हुई है इन आतंकवादियों को, जिनको छोड़ने के लिए इन्होंने जो है कोर्ट में रोक दिया था, उच्च न्यायालय ने उनको रोका था करने से। गोविंद जी के पास जाएंगे, गोविंद जी के पास चलेंगे, फैलाने वाले देश के साथ भी तो खड़े होकर बिरयानी आप लोग भी खाते हो, ये भी तो देखो। ठीक है, ये बिरयानी खाने हमको सीधा बिरयानी तो आप ही लोग खाते हो ना, मोदी के बीजेपी आलोक जी आरोप तो बीजेपी पर लगता रहा है ना, गुंडागर्दी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ये गुंडे, ये गुंडों की पार्टी रही है और ये गुंडा यहाँ बैठा हुआ है, बिरयानी सही करेंगे हमको मोदी जी, सही करेंगे हमको, इनको तो पुलिस सही कर गई बिरयानी करने का आरोप की, उसके बाद होता है यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं शब्दों से, गुंडागर्दी बाद आतंकवाद का गुंडागर्दी कौन कराता है, यहाँ शब्दों पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, कौन ये समाजवादी पार्टी गुंडों को अंदर वोट देना दे करके इनको, ये आगे भी वही हाशिए पे पहुंचेंगे। पिछली बार 5 सीटें मिली थी इनको, इस बार खाता भी नहीं खुलेगा समाजवादी पार्टी का। ठीक है, ठीक है, देखिए वक्त वक्त खत्म हो चुका है जी, सुनिए वक्त खत्म हो चुका है, आप सभी दर्शकों का और आप सभी गेस्ट का मैं शुक्रिया अदा यहाँ पर करना चाहूंगी, आप लोग आए और अपनी राय हमारे साथ रखी और इस पर बहस की, पर सवाल अभी भी यही उठता है, क्या ये सही है कि हम एक आतंकवादी जुबानी आतंकवादी से कहते हैं जो आज टर्म मिला है, क्या ये सही है कि हम राजनीति करने के लिए वोट पाने के लिए किसी भी स्तर पर गिर जाएं क्योंकि हमें वोट चाहिए? बिल्कुल भी सही नहीं है। एक अच्छा इमेज, एक अच्छी इमेज हम आम जनता के बीच इससे राजनीतिक पार्टियों राजनीतिक नेताओं की नहीं जाती है, बहुत गलत इमेज इससे जाती है और इससे हर पार्टी को हर नेता को बचना ही चाहिए। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही, नमस्कार।